एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून होने वाला है, 12:45 हो रहे हैं। तो गाइज, अभी जो है रोनित जा चुका है अपने कॉलेज, मतलब एग्ज़ाम देने, और सब लोग जा चुके हैं अपने अपने कामों पर, और मैं हूँ अपने कामों पर स्टिल। वर्क वर्क वर्क, सो बहुत सारा काम है। मैंने गेट पूरा खोला हुआ है तो, और क्योंकि सफोकेशन होने लगती है मेरे को, अब मैं पूरे दिन बिना अंदर नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो मैंने टीवी चला के रखा हुआ है। और अभी मैं बीच बीच में, अभी इससे पहले मैं नाश्ते के बर्तन धो के आ गई, अब मैं जा रही हूँ पालक धोने। और आज मैं आपको बताऊँ एक काम, एक बात, मतलब मैंने कुर्ता पहन लिया है पहले ही, मतलब सूट पहन लिया है। ननु मेरे को बहुत टोकता है, प्रियंका भी, मैक्सी में ही वीडियो बनाते हो, मैक्सी में ही, तो मैंने सोचा है कि चलो कुर्ता पहन लेती हूँ। सो मैं पालक धो रही हूँ, शाम को आज पालक पनीर बनाऊँगी, तो धो के उबाल के रख देती हूँ और फिर शाम को मेरे लिए इजी रहेगा। और अभी है मेरे को कई काम, और जो जो मैं करूँगी सो मैं आपको दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, यहाँ पर मैं शाम के खाने की तैयारी आज दिन से ही कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं पालक धो रही हूँ। मैंने सोचा कि अकेले हूँ तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, बट वही है कि अकेले हूँ तो रिकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। सो यहाँ पर जो है पालक मेरी धुल गई है और मैं इसको उबालने रख रही हूँ। खाना बनाना जो है ना एक आर्ट है, मुझे ऐसा लगता है। खाना बनाना हमेशा हर किसी को नहीं आता, और खाना हमेशा प्यार से बनाना चाहिए ताकि जो लोग खाएं तो उनको पॉजिटिविटी लगे और अच्छा रिएक्शन हो खाने का बॉडी में जाके। सो खाना हमेशा खुश मन से बनाना चाहिए, ये मेरा टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना दुखी मन से खाना बनाते हैं कि अरे यार खाना भी बनाना है, ओ शिट बाहर से मंगा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैंने दीदी को चाय नहीं पीने दी, तो देख लो आप कोल्ड ड्रिंक पी रही है अभी, ये वही लड़की नहीं सुधरेगी भाई। सो गाइस, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना पूरे दिन, अब थोड़े दिनों बाद ना मैं पूरी अच्छे से शूटिंग किया करूँगी, क्योंकि ना फिर मैं सीख, मेरा बेटा ना मुझे सिखाएगा तो फिर मैं सीखूँगी। और यहाँ पे जो है मेरा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली है, लाल मिर्ची ना मैंने बहुत ज़रा सी डाली है, और हरी मिर्ची में खाना बनाना मेरे को पसंद है। और यहाँ पर जो है पनीर को मैं कट कर लेती हूँ, और बस अब इसको डाल दूँगी, सब्ज़ी जो है वो डन हो जाएगी। अब बस खाना ऑलमोस्ट तैयार है, और भी बाकी के सारे काम धीरे धीरे चल ही रहे हैं साथ में। चलिए, सब्जी वगैरह सब बन गई है, और राधा रानी कन्हैया को मैंने, और मैंने लड्डू लाडली को भी सुला दिया है, और फिर उसके बाद मुझे करने थे और भी कई काम, लेकिन लाइट चली गई, आज लाइट ने धोखा दिया, तो क्या हुआ कि काम रह गए पेंडिंग में, अब मुझे सुबह करने पड़ेंगे वो। मुझे एक तो ना टोकरा धोना है, मेरे पास ना बड़े बड़े टोकरे हैं क्योंकि मुझे ना आलू लेने हैं नवरात्रों के लिए, और उसको धोऊंगी क्योंकि ऐसी धूल मिट्टी में रखा हुआ था ना, तो थोड़ा वैसा हो गया वो। फिर मैं हर साल ना पता क्या करती हूँ कि आलू की ना पूरी बोरी लेती थी, लेकिन इस बार नहीं लूँगी, शायद पिछली बार भी नहीं ली थी, शायद इस बार नहीं लूँगी, यहीं से ले लूँगी, अपने यहाँ पास के मार्केट से मंगा लूँगी, वरना हम बड़ी मार्केट जाते थे लेने, लहसुन इकट्ठा लाना, आलू इकट्ठा लाना, प्याज लाना, बट इस बार नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि इस बार थोड़ी थोड़ी चीज़ ही लेंगे, तो 20-25 किलो आलू तो खैर लूँगी मैं, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, और थोड़ा सा स्टोर कर लूँगी, बस वही बहुत रहेगा। फिर उसके बाद वैसे भी ना आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो लाइट ने ना आज सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया। फिर जब लाइट आई तो फिर मैं घर पे बात कर रही थी, क्योंकि घर पे काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 2-3 दिन हो गए थे बात नहीं हुई थी, तो भतीजों से बात नहीं होती है ना मेरी, घर पे अगर बात नहीं हुई तो फिर ना अजीब सा लगने लग जाता है, खासकर मेरे भतीजों से। छोटा वाला ना इतना क्यूट है, जब वो बोलते हैं ना हेलो बॉय जी कैसे हो आप, तो इतना क्यूट लगता है ना वो मुझे तो अभी मैं फिर फ़ोन पर जब बात कर रही हूँ तो फिर बहुत देर तक बात कर रही हूँ मैं, तो
बस ऐसे ही निकल गया आज का भी पूरा दिन मेरा। और बस अभी पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, जैसे कि आपने देखा, अभी खाया नहीं है। बट अभी लाइट आई है ना, थोड़ा मैं बैठ गई हूँ आके पंखे में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो चलिए मैं इस वीडियो को ना आज ऐसे ही एंड कर रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे कल बहुत सारे काम हैं, मशीन भी लगानी है, पर्दे भी धोने हैं, वैसे कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े प्रेस को जाने हैं, ड्राई क्लीन के लिए जाने, बहुत सारे काम हैं कल तो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा ऐसी अजीब अजीब सी वीडियोस के लिए। बट ना 1 तारीख के बाद फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ना मैं अकेले नहीं बना पाती, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल। आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, हालात चाहे जैसे भी हों, बीत जाता है समय, दिन अच्छे आ जाते हैं, है ना। इसी बात के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय।